क्या कर क्या हो रहा है अब सब कुछ खत्म हो गया या गुजराती रीति रिवाज से में अब क्या होता है अंतिम संस्कार के बाद, क्या प्रधानमंत्री आज लौट जाएंगे, क्या होगा ये भूपेंद्र मेरे ख्याल से बेहतर बता पाएंगे। बिल्कुल भूपेंद्र का ही रुख कर लेते। भूपेंद्र, अंतिम संस्कार के बाद जो गुजरात की जो रीति रिवाज है उसके बाद आगे की जो प्रक्रियाएं वो किस तरीके से रहेंगी और प्रधानमंत्री कब तक वहां पर रहेंगे, क्योंकि कई ऐसी अंतिम संस्कार के बाद रिचुअल्स होते हैं, छोटी छोटी कार्यक्रम होते हैं, उनमें वक्त लगता है, दिन लगते हैं। देखिए अमूमन गुजरात में भी वही हिंदू विधि विधान से तमाम चीज़ें होती हैं, अंतिम क्रिया उसी मुताबिक होती है और अंतिम क्रिया के दौरान ही एक तारीख तय की जाती है जिसे हम हिंदी में चौथा कहते हैं। लोग बैठने आते हैं, यहाँ पर बेशणु बोलते हैं उसको, बेशणा रखा गया है। दो या तीन दिन बाद या चार दिन बाद परिवार की अनुकूलता के मुताबिक एक बेशणा रखा जाता है जिसे हम चौथा भी कह सकते हैं। उस वक्त तमाम जो लोग अंतिम क्रिया में नहीं शामिल हो पाए थे, जितने भी स्नेही हैं, जितने भी परिजन हैं, उनके नातेदार रिश्तेदार जान पहचान के लोग, वो तमाम लोग उस कार्यक्रम में एक तरह से अपना शोक संदेश पहुंचाने के लिए उस समय सम्मिलित होते हैं और पुष्पांजलि अर्पित कर आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। ये एक कार्यक्रम होता है। उसके अलावा फिर जो तेरहवीं होती है उस दौरान जिस तरह से कार्यक्रम तमाम हिंदू समाज में किया जाता है, एक तेरहवीं के भोजन समारंभ का कार्यक्रम होता है, श्राद्ध का उस तरह से कार्यक्रम होता है, तो ये एक तमाम विधि जो है गुजरात में भी बिल्कुल उसी तरह से होती है। शब्द जो है वो थोड़े से गुजराती हो जाते हैं, चौथे की जगह हम यहाँ पर बेशणा बोल देते हैं, हालांकि तेरहवीं को तो तेरहवीं कहा जाता है। तो ये एक पूरा कार्यक्रम जो है वो चलने वाला है, वो किस तरह का कौन सी तारीख तय की गई है फिलहाल ये सामने नहीं आया है, लेकिन ये जरूर है कि आगे का कार्यक्रम इसी के मुताबिक रहेगा। जी नहीं, अब प्रधानमंत्री ने बेटे का फर्ज निभा दिया है, अब वो वहाँ रहेंगे, लौटेंगे, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से सुकेश आती हूँ, जो मुखाग्नि देता है उसको वहीं रहना होता है तेरहवीं तक। मेरे ख्याल से तो मुखाग्नि सोमा भाई जो सबसे बड़े बेटे हैं उन्होंने दी है, मुखाग्नि प्रधानमंत्री ने नहीं दी है। वो हिंदू रीति रिवाज में ये भी कहते हैं सबसे बड़ा और सबसे छोटा, प्रधानमंत्री दूसरे नंबर पे आते हैं, वो दूसरे बड़े बेटे हैं। तो मेरे ख्याल से विनोद जी कुछ कहना, सोमा भाई ने मुखाग्नि दी है, तो बाकी क्रियाओं में शायद वो ज्यादा सक्रिय दिखेंगे, प्रधानमंत्री की वो भूमिका नहीं होगी। विनोद जी कुछ कहना चाह रहे? नहीं, मैं दो बातें कहना चाह रहा हूँ। एक तो ये जो भी सुकेश जी कह रहे थे कि सही, हमारी परंपरा हिंदू परंपरा में या तो बड़ा बेटा मुखाग्नि देता है और बड़ा बेटा अगर नहीं उपलब्ध है किसी कारणवश तो छोटा बेटा होता है, और प्रधानमंत्री तो चूंकि बीच के हैं तो बीच, इसलिए वो उन्होंने एक मुखाग्नि में शामिल तो हुए लेकिन मुख्य रूप से सोमा भाई को ही माना जाएगा और जो बाकी के आगे कार्यक्रम जो है वो सोमा भाई ही संपन्न करेंगे। दूसरी बात मैं ये भी कहता हूँ, ये भी एक संयोग है कि नरेंद्र मोदी जी ऐसे अकेले प्रधानमंत्री थे जिनकी माँ जीवित थी, बाकी राजीव गांधी सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने लेकिन उनकी माँ के मरने के बाद ही वो प्रधानमंत्री बने, बाकी नेहरू जी से लेकर के और मनमोहन सिंह तक जितने प्रधानमंत्री हुए सबके माता पिता जो है उनके कार्यकाल में वो अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनता हुआ नहीं देख सके। ये भी एक भाग्य सौभाग्य था हीराबा का कि वो अपने जीवन काल में अपने बेटे को प्रधानमंत्री के रूप में देख सके, ये भी एक संयोग है और मुझे लगता है कि उनके लिए ये एक बड़ा सुखद संयोग था कि उन्होंने अपने बेटे को प्रधानमंत्री के रूप में देखा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।